नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे भोजन में कौन कौन से तत्व होते हैं और उनका क्या महत्व है। उसमें से मैं आपको वसा, प्रोटीन, कार्बोज और रफेज के बारे में बता चुका हूं और आज मैं आपको विटामिन के बारे में बताने जा रहा हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हो, शरीर के लिए विटामिनों का बहुत ही महत्व है, क्योंकि ये हमारे शरीर की जितनी भी आवश्यक रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनमें भाग लेती हैं और इनकी कमी से तरह तरह के विकार शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। हमारे शरीर को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन पी और विटामिन के आदि की आवश्यकता होती है, जिनकी अलग अलग मात्रा अलग अलग फसलों में पाई जाती है। विटामिन, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि विटामिन ए हमारे लिए किस किस काम के लिए प्रयोग की जाती है। विटामिन ए हमारे शरीर में सुरक्षा प्रदान करती है और इसको संरक्षित आहार भी कहा गया है, जो हमारे शरीर को बीमारियों से और रोगों से बचाने में हमारी हेल्प करती है, जिसमें वृद्धि, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है उसमें सहायता करती है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसकी कमी से शरीर का विकास रुक जाता है, हमारी स्किन के ऊपर रफ या रूखापन हो जाता है, खुरदरा खुरदरा हो जाती है सुबह। इसकी कमी से रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, हो जाती है और आंतों के बहुत सारे रोग हो जाते हैं और इनसे दांत खराब हो जाते हैं। अब इसके कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जहाँ से आप इसको ले सकते हैं? सबसे अच्छा स्रोत इसमें शकरकंद है, जिसमें 14,190 इंटरनेशनल यूनिट या माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम पाई जाती है। दूसरा अरवी, जो जिसका डंठल पत्ती का रंगीन होता है, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन पाई जाती है, 12,000 माइक्रोग्राम प्रति 100 ग्राम। इसके बाद गाजर, पूसा मेघाली, उसके बाद अरवी, चौलाई, करी पत्ता, पोई, धनिया की पत्ती, सहजन की पत्ती, पालक, इस प्रकार से इस सब्जियों में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कुछ प्रजातियां भी हैं सब्जियों की, विभिन्न फसलों की, जिनके अंदर विटामिन ए की जो प्रिकर्सर है, कैरोटीन के रूप में पाया जाता है, जो कई फसलों में मिलता है, जिसका मैं ये बोर्ड पे आपको भी दिखाने जा रहा हूँ। आप इस बोर्ड पर देख रहे हैं हाई अमाउंट ऑफ कैरोटीन इन डिफरेंट वेजिटेबल वराइटीज़। यहाँ पर कुछ वराइटी दी गई हैं, जिसमें टमाटर है, टमाटर के अंदर पूसा रेड प्लम एक वराइटी है जिसमें विटामिन का अच्छा स्रोत है। दूसरा सब्जी कैरेट है या गाजर, जिसमें दो वराइटी हैं, पूसा यमदागिनी और पूसा मेघाली, जिनके अंदर कैरोटीन सबसे अधिक पाई जाती है, जो कि विटामिन ए का प्रिकर्सर है। आलू, पोटैटो, जिसमें जी 2524, पालक, पूसा ज्योति में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होती है, टर्निप में पूसा स्वर्णिमा, स्वीट पोटैटो में पूसा सुनहरी, चौलाई में कनारा लोकल नाम से है। उसके बाद ड्रमस्टिक लीफ है, जिसमें ये बहुत सारी वैरायटी आपको दी हुई है, जैसे जैफना, पूना मोरिंगा और कई वैरायटी इसमें दी गई हैं, जिनके अंदर विटामिन ए कैरोटीन के रूप में अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब दूसरी विटामिन आती है विटामिन बी। इस समुदाय में कई विटामिन पाए जाते हैं, जिसमें थायमिन, राइबोफ्लेविन, बायोटिन, फोलिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, पायरोडॉक्सिन आज बहुत सी विटामिन हैं जो इस बी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसमें अब मैं एक एक करके आपको इसके बारे में संक्षेप में बताना चाहूँगा। पहला है विटामिन B1 या थायमिन, जिसको कहते हैं, और ये पाचन क्रिया में बहुत सहायक होता है और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है और हृदय रोग हो जाता है, भूख कम लगती है, शरीर कमजोर पड़ जाता है, शरीर का तापमान कम होने लगता है या गिर जाता है, और इससे की कमी से हमारे शरीर में बहुत से विकार हो जाते हैं। इसका सबसे अच्छा स्रोत कुल्फा, कॉलीफ्लावर, अरवी की पत्तियाँ,
टर्निप शलजम की पत्तियाँ, प्याज, मटर, फ्रेंच बीन के बीज, अगेथी, ये कुछ इसके प्रमुख स्रोत हैं जिनके अंदर ये पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। और इसकी 10 से 15 मिलीग्राम प्रति दिन अगर मिल जाती है तो इसकी कमी पूर्ति हो जाती है। दूसरा विटामिन है B2, जिसको राइबोफ्लेविन कहते हैं। ये जल में घुलनशील है और ये वृद्धि और विकास के लिए बहुत आवश्यक है, स्वास्थ्य के लिए, त्वचा, खास तौर से त्वचा के स्वास्थ्य के लिए इसकी आवश्यकता बहुत होती है। इसकी कमी से भार या वजन में कमी हो जाती है, भूख कम लगती है, गला खराब रहता है, मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं और मुंह के जो कोर हैं वहाँ पर फटने लगते हैं, मुंह से बदबू आती है, सोर माउथ जिसे बोलते हैं, जीभ पर के ऊपर लाल रंग के धब्बे से दिखाई देते हैं, जीभ जो है ग्लॉसी जीभ हो जाती है और होंठ फटने लगते हैं। ये बहुत सारे इसके विकार हैं। तो राइबोफ्लेविन का और थायमिन का हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है और इनकी कमी किसी तरह से भोजन में नहीं होनी चाहिए। और इसके सबसे अच्छा स्रोत हरी पत्तियाँ वाली जितनी भी सब्जियाँ हैं, जैसे लेट्यूस है आपकी, कुल्फा है, पालक है, मेथी है, हरी प्याज है, सतावर है, लीमा बीन है, हरी मिर्च है, इनमें ये पर्याप्त मात्रा में सुलभ होती हैं। उसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ आपको तीसरी विटामिन B3, जिससे ये प्रोटीन, कार्बोज और वसा के मेटाबॉलिज्म में काम करता है और ये पानी में घुलनशील विटामिन है। इसके सह एंजाइम या को एंजाइम के रूप में रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। इसकी कमी से जीभ फट जाती है, त्वचा लाल रंग की हो जाती है, भूख कम लगती है, भार में कमी होती है, मुंह दुखता है और कभी कभी अधिक कमी होने पर डायरिया या हैजा की भी शिकायत हो जाती है। और पील पाँव या पैलाग्रा जिसे कहते हैं, उस तरह का एक रोग होता है जिसमें एक पैर भारी हो जाता है और ये पैर की पिंडलियों में और गर्दन में इसकी कमी की वजह से ऐंठन होती है। अत्यधिक कमी होने पर मानसिक असंतुलन बिगड़ जाता है, शरीर में पूर्ति नहीं हो पाती है। तो इसमें ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड जो बनता है उसके सक्रिय रूप में चलाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है और सामान्य स्वास्थ्य में ये लाभदायक होती है। इसकी आवश्यकता 8 से 20 मिलीग्राम होती है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के लिए और ये पर्याप्त मात्रा में अगर मिल जाती है तो ये सारी चीज़ें जो मैंने ऊपर बताई हैं आपको, उनसे बचाया जा सकता है। और इसका सबसे अच्छा स्रोत हरी सब्जियां हैं, जो हरी सब्जियों में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, जिसमें आपकी पालक, मेथी, बथुआ, कुल्फा, ये जो हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं, इनके अंदर ये काफ़ी ये निकोटीन कम पाया जाता है। उसके बाद आता है पैंटोथेनिक एसिड, ये भी एक विटामिन बी कम्प्लेक्स का ही विटामिन है। ये पानी में घुलनशील होता है और इससे शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। और ये कोएंजाइम ए के साथ ये आहार के रूप में इसको लिया जाता है तो ये मेटाबॉलिक एक्टिव में हिस्सा लेता है। इसकी कमी से बालों में भूरापन हो जाता है, तंतुओं की टूट फूट को ठीक करता है ये, और राइबोफ्लेविन एवं पायरिडॉक्सिन के साथ मिलकर ये तंतुओं को ठीक रखने में मदद करता है। और इसका सबसे अच्छा स्रोत हरी सब्जियां हैं। इसकी 3 से 5 मिलीग्राम मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर मिल जाती है तो उससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। इसके बाद विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन है, इससे बच्चों में मानसिक विकास में सहायक है, शारीरिक विकास में ये योगदान देता है, वसा और प्रोटीन के मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कोएंजाइमी तरह से वर्क करता है, ट्रिप्टोफैन से निकोटिनिक अम्ल के परिवर्तन होने में ये मुख्य भूमिका निभाता है। और इसकी कमी से त्वचा के शोथ नामक रोग, मतलब डर्मेटाइटिस, इसको हिंदी में त्वचा शोथ नामक रोग कहते हैं, इससे होठों के किनारे फट जाते हैं इसकी कमी से। और ये हरी सब्जियां जितनी भी हैं उन सब में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद है बायोटिन, ये भी विटामिन बी वर्ग का ही एक विटामिन है। ये शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए बहुत आवश्यक है।
इसमें पैंटोथेनिक एवं फोलिक अम्ल को एक साथ इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ठीक करने के लिए और सुचारू रूप से चलाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है और शरीर में लचीलापन लाने हेतु इसका उपयोग किया जाता है और ये मेटाबॉलिक एक्टिव में सहायक है। इसकी कमी से त्वचा खुरदरी हो जाती है और बाल बहुत झड़ते हैं। तो विटामिन बायोटिन की कमी से बालों का झड़ना होता है और इसका सबसे अच्छा स्रोत हमारी हरी सब्जियों में पाया जाता है। अगला विटामिन फोलिक अम्ल है, B9 के नाम से भी जाना जाता है। ये लाल रक्त कणिकाएं जो हमारे खून के अंदर होती हैं उनके निर्माण में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यकृत में पैंटोथेनिक अम्ल निर्माण में सहायक करता है और इसकी कमी विशेषकर महिलाओं और बच्चों में बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से एनीमिया रोग हो जाता है और महालोहित या मेगा लोब्लास्टिक रोग भी कहते हैं। रक्त में थक्के बनना रुक जाता है। होमोसिस्टीन निर्माण में ये को रोकता है, क्योंकि जिसकी वजह से थक्का बनता है और ये पक्षाघात और हृदयघात को से मनुष्य की रक्षा करता है। इसकी आवश्यकता 50 से 100 मिलीग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति होती है। गर्भवती महिलाओं के लिए 200 से 550 मिलीग्राम प्रतिदिन फोलिक अम्ल भोजन में होना चाहिए और इसकी कमी हम हरी सब्जियों की पत्तेदार सब्जियों के लेकर के ये उनका प्रयोग करते हैं तो उनसे इसकी कमी पूरी की जा सकती है। इसके सोर्स टमाटर, बैंगन, सेम, खीरा, कद्दू, चिचिंडा के अलावा हरी पत्तियों वाली सब्जियां हैं। बी ग्रुप की एक विटामिन B10 विटामिन है, जिसको पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड कहते हैं और ये ग्रोथ एवं डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक है और इसकी कमी से स्किन डिजीज़ हो जाती हैं और इसका प्रभाव महिलाओं में अधिक होता है और मेल में अपेक्षाकृत कम होता है। इससे इरेटिबिलिटी हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम रहती है और इसके मुख्य सिम्टम हैं जिसमें नर्वस सिस्टम विकार उत्पन्न हो जाते हैं और इसकी कमी से डिप्रेशन हो जाता है और पालक तथा इसके अलावा हरी सब्जियों में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद विटामिन B12 होती है, यह एक कोएंजाइम के रूप में काम करता है और नई रक्त कणिकाओं के निर्माण में इसका मुख्य RBC बनाने में मुख्य रोल है और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है और इसका भी सबसे अच्छा स्रोत हरी पत्तियां हैं, हरी पत्ते वाली सब्जियां जिनमें ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब इसके बाद आती है विटामिन सी। विटामिन सी जैसा कि आप जानते हैं कि ये पानी में घुलनशील है और सामान्य स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। रक्त वाहिनियों को स्वस्थ रखने के लिए इस विटामिन सी की बहुत आवश्यकता पड़ती है और इसकी कमी हो जाने पर शरीर में तरह तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें स्कर्वी रोग, हड्डियों के निर्माण में कमी हो जाती है, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, मसूड़ों के रोग हो जाते हैं, मसूड़ों से फूलना, उनसे खून निकलना और दांतों का क्षय होना, टूटना, ऊर्जा का ह्रास होना और घाव बनने में देरी होना और ये प्रतिरोधक क्षमता को भी कम कर देता है, रोग होने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। हृदय की मांसपेशियों में विकृति उत्पन्न हो जाती है इसकी कमी से और इसकी आवश्यकता 20 मिलीग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति होती है और इसके लिए बहुत सारे स्रोत बताए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है वो है पार्सले। पार्सले एक पत्ते वाली सब्जी है, यूरोपियन वेजिटेबल है ये, इसमें 281 मिलीग्राम विटामिन सी पाई जाती है। दूसरा सबसे अच्छा सोर्स इसका सहजन की फलियां हैं और सहजन की पत्ती हैं, जिसमें 220 मिलीग्राम विटामिन सी पाई जाती है। अगस्त या अगेती इसमें 169 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होती है। उसके बाद शिमला मिर्च, धनिया की पत्ती, बंद गोभी और मिर्च जो आपकी साधारण मिर्च है, इसमें 111 मिलीग्राम औसतन मिर्च पाई जाती है। ये प्रजाति के अनुसार 110 से लेकर के 270 तक अलग अलग प्रजातियों में मिलता है। करेला, चुकंदर, फूलगोभी, टमाटर आदि इसके बहुत ही अच्छे स्रोत हैं जिनके अंदर ये पाया जाता है। उसके बाद चौथी विटामिन हमारी है विटामिन डी। इसको वसा में घुला जाता है और ये अस्थियों
यानी कि हड्डियों और उनके जो उपास्थियाँ होती हैं उनके निर्माण में बहुत सहायक होता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है। दांतों और हड्डियों की बनावट और स्वास्थ्य पर इसकी कमी से विपरीत प्रभाव पड़ता है। कैल्शियम और फास्फोरस के संतुलन बनाने के लिए इस विटामिन का होना बहुत आवश्यक होता है और शरीर को कैल्शियम तत्व उपलब्ध कराना इस विटामिन की आवश्यकता होती है। और ये सामान्य रूप से यदि आदमी धूप में बैठता है तो इसकी कमी सूर्य के प्रकाश से पूरी हो जाती है। और इसके अतिरिक्त सब्जियों में चौलाई, पालक, बथुआ इसके अच्छे स्रोत हैं। विटामिन ई ये वसा में मिले है और ये ऑक्सीकरण के प्रति इसका काम होता है और प्रजनन हेतु में इसको बहुत रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसकी कमी से बांझपन के रोग हो जाते हैं। और इसका सबसे अच्छा स्रोत हरी पत्तियाँ, सलाद, पत्ता गोभी, वनस्पतिक तेल, प्याज, लहसुन, लीक इसके बहुत अच्छे स्रोत हैं। इसके बाद एक विटामिन होता है विटामिन के, ये वसा विलेय विटामिन है। खून किसी कटने से बहने लगता है तो उसको रोकने में ये इसका बहुत मुख्य रोल है। तो रक्त में थक्का बनने में ये मदद करता है, कटने पर रक्त प्रवाह को रोकना और यकृत कार्यों को ठीक तरह से संपादित करना इसके प्रमुख गुण हैं। और ये हरी पत्तियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद आता है विटामिन पी। विटामिन पी एक ऐसा विटामिन है जो कि मात्र शिमला मिर्च और मिर्च में ही मिलता है और ये हमारे शरीर को बैक्टीरिया, फंगस और रेडियो एक्टिविटी से बचाता है। तो इस प्रकार से मित्रों ये विटामिन हमारे शरीर में बहुत सारे कार्य करते हैं और इनकी हमारे शरीर में बहुत ही आवश्यकता है। मित्रों आज मैंने आपको विटामिन के बारे में संक्षेप में थोड़ा सा बताया है। अभी हमारे भोजन का एक पार्ट और रह गया है, उसका पार्ट का नाम है खनिज लवण। इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आशा है आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपका कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मेल कर सकते हैं। भविष्य में एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एग्री एकेडमी पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।